So, hey guys, what is up? Hope you're doing good. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy S21 Ultra के बारे में, जहां पे दोस्तों काफी सारी एकदम ढेर लीक्स यहां पे इसी स्मार्टफोन के बारे में निकल के आए हैं Samsung की तरफ से। काफी कमाल के एकदम धमाकेदार से जो फीचर्स हैं ना, आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। और यार 14 जनवरी को ग्लोबल आपको लॉन्च इवेंट इसी स्मार्टफोन का देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे इसी स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहां पे 108+10+10+12 मेगापिक्सल का आपको कैमरा का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 40 मेगापिक्सल का आपको काफी शानदार एकदम सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.8 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली डायनेमिक होने वाला है। एसडीआर 10 प्लस के सपोर्ट के साथ में आपको काफी शानदार, हमेशा की तरह एकदम कमाल आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इसी स्मार्टफोन के बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। यार फ्लैगशिप वाला जो सेक्शन है ना, वहां पे आपको 5000 एमएएच की जो बैटरी है काफी कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है यार, लेकिन यहाँ पे आपको S21 अल्ट्रा में काफी एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है 5000 मिली एम्प आवर की। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसी स्मार्टफोन के चार्जर की, तो यहाँ पे आपको इन द बॉक्स 25 वाट का एडेप्टर जो है देखने को शायद मिलेगा। दोस्तों ये चीजें श्योर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लीक्स अब यहाँ पे ऐसी भी निकल के आ रही है कि दोस्तों ये जो 25 वाट का जो एडेप्टर सैमसंग अब तक अपने स्मार्टफोन के साथ इन द बॉक्स दिया करता था, वो आपको अब बॉक्स में शायद देखने को नहीं मिलेंगी। ये काफी सैड सीन हो, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द ट्रूथ कि आपको शायद इस बार सैमसंग अपने बॉक्स में से जो इनका एडेप्टर होता है 25 वाट्स का, वो सैमसंग कट कर सकता है इस बार, और आपको फिर वो अलग से खरीदना पड़ सकता है। गाइस इसके लिए हम सैमसंग को दोषी नहीं ठहराएंगे यार, इसके लिए दोषी है एक ही ब्रांड, वो है एप्पल। जहां पे दोस्तों वो कंपनी जो भी करती है, तो फिर उस चीज का ना मतलब एक ट्रेंड ही बन जाता है, और फिर जो अदर ब्रांड्स है उसे फॉलो अप करते करते अपनी भी चीजें कुछ हद तक वैसे ही कर डालती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसी स्मार्टफोन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सिनॉक्स का 2100 सीरीज देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ऑब्वियसली एकदम फ्लैगशिप लेवल का होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन निकल के आते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 1080 जो एक्सिनॉक्स का सीरीज है वो आपको सैमसंग के फ्लैगशिप यानी कि S21 अल्ट्रा में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस बार सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए 2100 सीरीज बनाकर रखा है अपने एक्सिनॉक्स चिपसेट का। लेकिन दोस्तों आखिर जो लीक्स है ऐसे क्यों आ रहे हैं कि जो S21 अल्ट्रा है उसमें आपको एक्सिनॉक्स 1080 सीरीज देखने को मिल जाएगा, वो दोस्तों सिर्फ आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो दोस्तों जो प्रोसेसर है एक्सिनॉक्स 1080 ये 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो इसीलिए कुछ लीक्स ऐसे आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ना, ये आपको सैमसंग के कुछ ए सीरीज वाले स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इनका मिड रेंज वाला प्रीमियम सेगमेंट है। सो उम्मीद कर सकते हैं कि जो 1080 प्रोसेसर है यहाँ पे 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला, ये 5G स्मार्टफोन के साथ में आपको सैमसंग की ए सीरीज के साथ में फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे S21 अल्ट्रा के साथ में आपको एक्सिनॉक्स 2100 सीरीज प्रोसेसर ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे रैम की, तो यार चीजें एकदम जाइगेंटिक एकदम दिख रही है मुझे, जहां पे दोस्तों आपको 12GB रैम या फिर 16GB रैम का आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब यार 16GB रैम मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको इसी सैमसंग के S21 अल्ट्रा के साथ में देखने को मिल जाएगा। अभी तक तो जो इनका Geekbench स्कोर है सैमसंग के एक्सिनॉक्स 2100 सीरीज का, अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों लीक्स कुछ ऐसे आ रहे हैं ना कि यार जो ये एक्सिनॉक्स 2100 सीरीज होने वाला है S21 अल्ट्रा के लिए, वो स्नैपड्रैगन 888 से काफी ज्यादा फास्टर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इस बार जो सैमसंग बाजी मार जाता है या फिर सिर्फ लीक्स ऐसे आ रहे हैं बाहर, और बाजी फिर से वही हमेशा की तरह क्वालकॉम ही मार के ले जाता है प्रोसेसर में। और दोस्तों बात करें अगर स्टोरेज की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 256GB और 512GB का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमेशा की तरह आपको सैमसंग की तरफ से हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप एक में सिम लगा सकते हो और दूसरे सेक्शन में या तो सिम कार्ड या फिर अपना मेमोरी कार्ड, कुछ भी आपकी चॉइस, ये वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री हो गया, आप उसमें मेमोरी कार्ड या फिर सिम कार्ड आप लगा सकते हो खुद की चॉइस से। अब दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, इतना अगर तगड़ा प्रोसेसर स्मार्टफोन में आ रहा है, तो यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा S21 के नॉर्मल सीरीज में। जो इनका रेगुलर फोन आएगा S21 या फिर S21 प्लस जो है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इनका जो अल्ट्रा वर्जन आएगा, इसमें कुछ लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा आपके इसी एकदम गजब के शानदार S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन में। सो
मतलब यार चीजें काफी ज्यादा एकदम शानदार सी लीक होके बाहर आ रही है। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि इनका जो प्रोसेसर है एक्सिनॉक्स 2100 सीरीज और साथ ही साथ 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इनके कॉम्बिनेशन साथ में जो एक यूजर एक्सपीरियंस है इनके वन यूआई 3.0 के साथ में कितना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बिकॉज जो इनका वन यूआई, सच्ची कह रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा पसंद तो नहीं आता। ऑब्वियसली ठीक है, ठीक ठाक यूसेज में। अब दूसरा मैं बात करूँ पे अपने पर्सनल फेवरेट की, तो यहाँ पे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड्रॉइड स्मार्टफोन में यूआई का, वो है ऑक्सीजन ओएस। उसके बाद फिर आता है हमारा स्टॉक। लेकिन दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगर सैमसंग अपने स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉइड अगर डाल देना, तो फिर यार जो पूरा एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना, वो काफी एक शानदार आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, हमें पता है कि वन यूआई 3.0 के साथ में ही हमें S21 अल्ट्रा को देखना पड़ेगा। सो गाइस बस यही थे कुछ एकदम शानदार एकदम कमाल के लीक सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस फोन का जो इंतजार है ना, आप एकदम काफी जोर जोर से करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों जो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गए तो जो लाइक बटन कस के दबाएं। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।